Assalamualaikum everyone। तो आज की रेसिपी है मज़ेदार से पंजाबी छोले मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कप छोले लेंगे और रात भर सोक कर लेंगे। यहाँ पर जो छोले आपको दिखाई दे रहे हैं वो ऑलरेडी सोक्ड हैं, तो हम इसको कुकर में चढ़ाएंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे अराउंड 1/2 लीटर पानी और ऐड करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बे लीव्स और 1 टीस्पून नमक। 4 से 5 सीटियों के साथ प्रेशर कुक करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं पंजाबी छोले का मैजिक मसाला, जो कि कुछ इस तरह से है। 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी चम्मच अनारदाना, 1 बड़ी चम्मच ज़ीरा, 1.5 बड़ी चम्मच धनिया, 4 सूखी लाल मिर्चें, 4 हरी इलायची, 4 लौंग। तमाम खरे मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, मीडियम आंच पे ही इन मसालों को भूनना है। अब इन मसालों से अरोमेटिक खुशबू आ रही है, क्योंकि हम मीडियम आंच पे भून रहे हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जाएगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारी रेसिपी एकदम डिलीशियस और लाजवाब बनके तैयार होगी। अब आप देख सकते हैं हमारे मसालों का कलर चेंज होने लगा है, बहुत ही प्यारी अरोमेटिक खुशबू आने लगी है। इस पॉइंट पे आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मसाले जल सकते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मसालों को भूनते हुए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे और फिर एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे और साइड में रख देंगे। और अब चलते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ। 3 टेबलस्पून ऑयल हमने गरम कर लिया है और उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। 2 मीडियम साइज़ की प्याज का हमने पेस्ट बना लिया है और अब हम वो ऐड करेंगे ऑयल में। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और इसके लिए 5 से 6 मिनट लगेंगे। हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं प्याज को भूनते हुए और आप इसका कलर देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है, ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से ऑयल में भूनेंगे और यहाँ पे हम लेंगे 2 टेबलस्पून पानी, ताकि हमारा मसाला ना जले। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भूनना है जब तक कि उसकी कच्ची स्मेल निकल ना जाए। 2 मिनट हो चुके हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनते हुए। अब इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब हम इसमें 3 टमाटरों का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और लिड क्लोज करके 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं, कितने अच्छे तरीके से ऑयल स्प्लिट हो चुका है। इस पॉइंट पे बारी आती है हमारे पाउडर्ड मसालों की। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चुटकी हल्दी और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लिड बंद करके 2 मिनट के लिए हमने पका लिया है। अब बारी आती है हमारे पंजाबी छोले मसाले की, जो कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में बनाया है। वो ऐड करेंगे 2.5 टीस्पून। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम ऐड करेंगे बॉयल छोले। छोले बॉईल करने के टाइम में जो पानी होता है उसको आपको फेंकना नहीं है, उस पानी को आपको इस टाइम में इस्तेमाल करना है। आप कंसिस्टेंसी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी की थिकनेस चाहिए उस
उस हिसाब से आप उस पानी का यूज़ करें। एक अच्छा मिक्स देने के बाद यहाँ पे हमने एक टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर लिया है और मिक्स करके लिड क्लोज करके 2 मिनट तक हमने इसे पका लिया है लो फ्लेम पे। इस स्टेज पे हम नमक चेक करेंगे, हमारा नमक बिल्कुल सही है। अगर आप बनाने के टाइम में अगर कमियां ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से आप नमक को बराबर कर लीजिएगा। 2 से 3 हरी मिर्चें स्लिट करके यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे और तकरीबन 1 कप हरी धनिया को चॉप कर लेंगे और वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। हमारे पंजाबी छोले मसाला सर्व करने के लिए तैयार है। चलिए डिश आउट करते हैं। इस रेसिपी को आप भटूरे के साथ खा सकते हैं, बटर नान के साथ खा सकते हैं, पूरियों के साथ भी खा सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी मैं नई रेसिपी अपलोड करूँगी। मेरे रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इस रेसिपी को ट्राई करें और एंजॉय करें।